कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं नेक्स्ट जेस 13। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और इसमें हम जानेंगे कि राउट्स क्या होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, npm run dev, और इसे चेक करते हैं क्या ये सही से वर्क कर रही है। हमारी एप्लीकेशन ठीक से वर्क कर रही है। अब ये हमारा होम पेज है। अगर मैं यहां पर फ्लैश भी लगाऊं तब भी यही पेज रेंडर होगा, क्योंकि ये हमारा होम पेज है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर यहाँ पे स्लैश अबाउट कर दूं तो मुझे अबाउट का पेज मिल जाए। तो हम इस राउट को बनाते हैं। इससे पहले ये जान लें कि ऐप जो फोल्डर है वो हमारी होम डायरेक्टरी है या रूट फोल्डर है या रूट लेवल है। क्लियर है? नेक्स्ट जेस 13 कहता है कि अगर आपको कोई राउट डिफाइन करना है तो आप उसके नाम से एक फोल्डर बनाएं। अगर आपको कोई राउट डिफाइन करना है तो आप उसके नाम से एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर एक एंड पॉइंट बनाएं। एंड पॉइंट क्या है? वो पेज डॉट टीएसएक्स है। तो ठीक है, हम एक फोल्डर बनाते हैं अबाउट का, और ये फोल्डर हम अपने राउट डायरेक्टरी में बना रहे हैं ऐप के अंदर, और इसके अंदर एक एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं। एंड पॉइंट क्या है? पेज डॉट टीएसएक्स। इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं अबाउट का, क्योंकि एक फंक्शन होता है कंपोनेंट जिसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, और ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है, एक HTML का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है। तो रिटर्न H3 जो है HTML का पेरेंट एलिमेंट नहीं है, बट चूंकि ये एक ही अभी हम एक ही डिफाइन किया है तो यही पेरेंट काउंट होगा। यहां पे हम लिखते हैं अबाउट पेज, सेव करते हैं, और सेव करने से पहले इसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमने एक अबाउट का राउट डिफाइन कर दिया, और अबाउट के राउट के अंदर एक एंड पॉइंट डिफाइन कर दिया, और उसके अंदर हमने लिख दिया अबाउट पेज। सेव करते हैं और अपने राउट पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, हमें अबाउट का पेज मिल गया। क्लियर है? हमने, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि नेक्स्ट 13 कहता है कि अपने रूट फोल्डर में, रूट फोल्डर है ऐप का, अपने रूट फोल्डर में आपको जो भी राउट बनाना है उस नाम से एक फोल्डर बनाएं, और उस फोल्डर के अंदर एक एंड पॉइंट डिफाइन करें, और एंड पॉइंट जो है पेज डॉट टीएसएक्स है। अब हम एक और राउट बनाते हैं प्रोडक्ट्स का, और इसके अंदर भी हमें एक एंड पॉइंट डिफाइन करना होगा। और एंड पॉइंट के अंदर एक कंपोनेंट बनाना होगा, और कंपोनेंट किस तरह बनता है? कंपोनेंट एक फंक्शन है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये HTML की कोई पेरेंट जो है रिटर्न करेगा। हमने एक कंपोनेंट बना दिया, अब इसको हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है। ठीक है, हमने एक और आउट बना दिया प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसको हमने एक एंड पॉइंट दे दिया पेज डॉट टीएसएक्स, और उसके अंदर एक कंपोनेंट बना दिया प्रोडक्ट्स के नाम से। अब हम इसकी राउटिंग भी चेक कर लेते हैं। अबाउट के बाद प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स लिस्ट मिल गई। अब मैं इसका सब राउट बनाना चाह रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर भी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी मैं प्रोडक्ट को एक्सेस करना चाह रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट का एक पेज बनाना चाह रहा हूं या प्रोडक्ट का एक राउट बनाना चाह रहा हूं। तो अब हम सब राउट बनाएंगे। तो वही कानून है कि जो आपका राउट है, चूंकि अगर यहां पे देखें तो हमें प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट बनाना है, तो हम प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर, ये रहा प्रोडक्ट्स है, इस फोल्डर के अंदर हम एक सब राउट बनाएंगे। राउट किस तरह बनता है? वही कानून है कि आप उस नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। तो मैं उस नाम से एक फोल्डर बनाता हूं प्रोडक्ट,
और इससे एक एंड पॉइंट दे देंगे। एंड पॉइंट क्या है? पेज डॉट टीएसएक्स, पेज डॉट टीएसएक्स। और पेज डॉट टीएसएक्स में एक कंपोनेंट बनाएंगे, और कंपोनेंट क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन प्रोडक्ट, और कंपोनेंट रिटर्न क्या करता है? कंपोनेंट एक एचटीएमएल का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है। तो रिटर्न, क्योंकि यहां पे H3 है, H3 पेरेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिंगल ही है, तो ये सिंगल पेरेंट काउंट होगा। और इसे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने एक सब राउट बनाया है प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट, और उसको एक एंड पॉइंट पास कर दिया, उस एंड पॉइंट में एक कंपोनेंट बना दिया प्रोडक्ट के नाम से। अब हम अपना सब राउट चेक करते हैं। वाओ, प्रोडक्ट डिटेल मिल गई। अगर मैं प्रोडक्ट को मिटाता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट्स पे जाऊं, हमें प्रोडक्ट्स लिस्ट मिल जाती है। फिर इसी तरह मैं प्रोडक्ट्स को मिटाकर अबाउट पर जाऊं, हमें अबाउट मिल जाता है। और इसी तरह अगर मैं होम पर जाऊं, हमें होम का राउट भी मिल जाता है। इस वीडियो में हमने क्या जाना? इस वीडियो में हमने राउट्स को बनाना जाना, सब राउट बनाना जान लिया। और एक चीज रहती है कि जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर आपको नेक्स्ट 13 की जगह इससे पहले के किसी वर्जन से मुलाकात हो जाए, तो उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से राउटिंग होती थी। नेक्स्ट 13 से पहले वो कहते थे कि आप रूट डायरेक्टरी के अंदर उसी नाम से एक फाइल बना दें, वही आपका राउट काउंट होगा। वो किस तरह? जिसे हमने अबाउट का राउट बनाना है, तो वो है अबाउट डॉट टीएसएक्स। नेक्स्ट 13 से पहले इस तरह से राउट बनता था, और बाकी वही है कि इसके अंदर हमें कंपोनेंट बनाते थे, और इसके अंदर जो आप पास करेंगे वो हमें रेंडर हो जाता था। बट नेक्स्ट 13 कहता है कि ये तरीका अब हमें यूज नहीं करना, अब हमें ये तरीका यूज करना है जिस तरीके से अभी हमने बनाया। और इसको समराइज कर दें तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको जो भी राउट बनाना है, उस राउट के नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर एक एंड पॉइंट पास कर देंगे या एंड पॉइंट बनाएंगे, और एंड पॉइंट जो है वो पेज डॉट टीएसएक्स है। अगर आप इसके अलावा कुछ और नाम रखेंगे तो ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगा। और पेज डॉट टीएसएक्स क्या है? एक कंपोनेंट है जो कि एक एचटीएमएल का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? इसके अलावा हमने जाना कि नेक्स्ट 13 से पहले किस तरह से राउट बनाए जाते थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।